नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अभी हाल ही में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शेखर कुमार ने आते ही अपनी सक्रियता दिखाते हुए अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए। इस मौके पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शेखर कुमार ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित होटल जैसी ओसिस में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए आज हमने कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसके तहत एडवोकेट मिथिलेश श्रीवास्तव को महिला प्रकोष्ठ, सुधीर श्रीवास्तव को राजनीतिक प्रकोष्ठ, एसके श्रीवास्तव को युवा प्रकोष्ठ, ऋतुराज श्रीवास्तव को मीडिया प्रभारी और आलोक श्रीवास्तव को महानगर अध्यक्ष, निधि श्रीवास्तव को महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मनोनीत किया गया। शेखर कुमार प्रेसवार्ता में आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारी ये महासभा राजनीति में कायस्थों की जबरदस्त गिरावट को गंभीरता से लेते हुए महासभा कायस्थों में मुख्य रूप से राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रयास करेगा और इसके तहत हर 3 महीने पर राजनीति में कायस्थों की भागीदारी से संबंधित हर जिले में कार्यशाला आयोजित करते हुए समाज में राजनीति चेतना पैदा करने का भरपूर प्रयास रहेगा। जैसे हमने अभी आपको जो देंगे पत्राचार उसमें सूचित किया गया, अभी पिछले 18 अगस्त को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी ने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले 18 साल से कई कायस्थ संगठनों में काम कर चुका हूँ, तो ये जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी कि जो भी आपके अभी पूर्वी विधानसभा के अध्यक्ष जो प्रकोष्ठ हैं उसके पहले अध्यक्ष मनोनीत कर लिए, तो उसमें हमने अभी अध्यक्ष मनोनीत किए। आज जो प्रेस वार्ता है, सिर्फ हमारे जो प्रकोष्ठ बने हैं, हमारे दाहिने हाथ पे जो बैठे हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, ये राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उसके बगल में आलोक जी हैं, वो लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं। बाएँ हाथ में एसके श्रीवास्तव जी हैं, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एडवोकेट मिथिलेश श्रीवास्तव हैं जो कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हैं। उसके बाद निधि श्रीवास्तव जी हैं, ये लखनऊ महानगर की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। विषय बहुत ही गंभीर चुना है हमने, बहुत ही कायस्थ संगठन काम कर चुके हैं, मैं भी कई संगठनों में 1999 से लगातार काम कर रहा हूँ। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं आपसे। राजनीति में स्पेशली मैं बात करूँगा, क्योंकि ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे आज से कार्य करेगा, वो राजनीतिक चेतना। कायस्थ समाज का जो लगातार पतन हो रहा है और हम लोग बिल्कुल हाशिए में आ गए हैं, कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप टीवी चैनल खोलिए, पेपर देखिए, हर समाज की बात होती है, कायस्थ समाज का कहीं भी जिक्र ही नहीं होता कि कायस्थ समाज कोई जात है भी कि नहीं है। तो ये बहुत दिन से कुंठा थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा मेरे स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं थी। आज की तारीख में ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक स्टीयरिंग हाथ में आई है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी का जिम्मेदारी दी गई है। जब आपके हाथ में स्टीयरिंग होती है तो आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, तो ये जिम्मेदारी मिली है, मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा। कायस्थ समाज का जो राजनीतिक मैंने अभी बोला है पतन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक विषय पर राजनीतिक चेतना का कायस्थों में प्रयास करूँगा। उसके साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, कायस्थ समाज के लिए बात करके अन्य समाज में भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं लोग चिकित्सा से और शिक्षा क्षेत्र में, उसमें भी हमने ऐसी योजना बनाई है कि चिकित्सा क्षेत्र में प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स में कुछ हम टाई अप करेंगे आज के बाद से। और टाई अप करने के बाद ये रहेगा, जो भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा हमारे से जुड़ेगा उस टाई अप में उसको नर्सिंग होम में कम से कम हम डिमांड करेंगे 25% की रिबेट मिले, डिस्काउंट मिले कायस्थ समाज के लोगों को, और मेडिकल स्टोर में कम से कम 30% की रिबेट मिले। उस कार्ड से कम कायस्थ समाज जो अछूता रह गया है, सुविधाओं से वंचित रह गया है, अपनी डिसेंसी में अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, उसको हम उसकी ज़बान खोलने का प्रयास करेंगे, उससे मुँह से निकलवाने का प्रयास करेंगे, और उसको जो सुविधाओं से वंचित रह चुका है उन सुविधाओं को दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में ईश्वर दया से जितने भी स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट या सरकारी हैं उसमें बहुत परेशानी आती है। एज ए बींग सोशल एक्टिविस्ट मैं लगातार कहीं ना कहीं एडमिशन या नौकरी, टीचर से बीएड है, एमएड है, डीलिट है, जॉब नहीं मिलता है, उसमें भी ऐसा करेंगे कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जो भी लोग जुड़ेंगे,
नहीं भी जुड़ेंगे अगर वो कायस्थ हैं, अगर वो हमसे अप्रोच करते हैं तो उनको बच्चों की जैसे केजी में निजी लोअर केजी में एडमिशन है उसमें प्राथमिकता से उनका वहाँ एडमिशन होगा और बड़े क्लासेस में भी एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक नौकरी की बात है, जॉब की बात है, वो भी हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले उनको पूरी सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने राजनीतिक चेतना की बात की, ये प्रयास किया गया है कि जितने भी अभी हम लोग 10-5-6 दिन के बाद से हर ज़िले का दौरा करेंगे उसमें राजनीतिक विषय पे हम लोग कार्यशाला वर्कशॉप आयोजन करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने जब भी अभी आप देखेंगे 2027 हमारा राजनीतिक वर्ष है, नगर निगम के चुनाव भी होने, पंचायत के भी चुनाव होने, विधानसभा के भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से होने हैं, तो कोशिश करेंगे हमारे पास 3 साल अभी 2.5 साल पौने 3 साल है, मेरा प्रयास रहेगा आज से ही, क्योंकि हम पिछले सालों में भी राजनीतिक विषय पे था, लेकिन वही मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माय ओल्ड स्टेटमेंट कि स्टीयरिंग हाथ में नहीं थी, आज की तारीख में ईश्वर ने मुझे स्टीयरिंग हाथ में दी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जहां पे पंचायत है वहां पे पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य, जहाँ पर विधानसभा का है तो नगर निगम है, वहाँ पर मेयर का है, सभासद का है, 3 साल मेरे पास, 3 साल बहुत समय होता है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, वर्कशॉप हर ज़िले में वर्कशॉप लगाएंगे और राजनीतिक चेतना का प्रयास करते हुए जो राजनीतिक जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर आपके पास सब कुछ है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत पावर शक्ति का अर्जन नहीं है तो हम समवेयर वी आर लूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। उसके लिए जो मेरा ये मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बयां कर रहा हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत शक्ति का अर्जन काय समाज में 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति लाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रोल है, आपसे निवेदन है कि आप भी हमें इसमें पूरा सहयोग करिए, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, हमें पूरा निस्वार्थ भाव से, मैं फिर यहाँ संकल्प लेता हूँ, मुझे अपना खुद नहीं लड़ना चुनाव, लेकिन हमारे काय समाज के जो राजनीतिक परिवेश में है या राजनीतिक बैकग्राउंड है या सक्षमता है, चाहे वो सभासद का हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे विधायिका का हो, चाहे संसदीय का हो, चाहे मेयर का हो, अगर उनमें सक्षम है उनको प्रमोट कोई नहीं कर पाता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उनको अछूता कर देती, कहीं ना कहीं जैक लग जाता है और पैराशूट लैंडिंग हो जाती है। पैराशूट लैंडिंग में क्या होता है, कायस्थ समाज बोल नहीं पाता, हिचकिचाता है, वो चुपचाप आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, अपनी भावनाओं को जागृत नहीं कर पाता, उनकी भावनाएं जो दबी हुई भावनाएं हैं उसको जागृत करते हुए राजनीतिक चेतना का प्रयास करूँगा, यही मेरा एक मूल विषय है। और कायस्थ समाज कार्य जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, चाहे कोई भी संगठन हो, यहाँ पे हम विरोधाभास या विषांतर ना होते हुए हम अपनी बात को यही मतलब समाप्त नहीं करते हैं, एक बात रखने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो करें, हम सिर्फ एक और एक विषय राजनीतिक चेतना का प्रयास करेंगे, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएँ हो सकती हैं, जितनी भी चाहे सरकार के हो, माननीय मुख्यमंत्री की सहायता कोष से हो, विधायिका निधि से हो, सभासद निधि से हो, पूरा उनको हम तन मन धन से उनको उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की लेवल की कमी आ गई काय समाज में पिछले 7 साल से, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, सभासद लायक है लेकिन कहीं ना कहीं पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं और समाज हावी होके और भी अपना के वो चीज़ ले लेता है और काय समाज वंचित हो जाता है और चुपचाप आके बैठ जाता है। सर ये बताइए कि बहुत सारे संगठन हैं जी कायस्थों के, आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले आप राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं, तो कोई क्यों आना चाहेगा आपके संगठन में और अभी तक आपके संगठन में कितनी संख्या है, कितने लोग हैं पूरे प्रदेश की बात में? अभी हमारा ये बिल्कुल सृजन हो रहा है, मैं बनाया गया हूँ, मैंने आपसे बड़ा 18 अगस्त में बनाया हुआ, सारे जो लोग हैं राजनीति के ये बहुत पुराने अच्छे हमारे भाई हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी, इनके फैमिली में इनके मिसेज भी रह चुके हैं अध्यक्ष, ये खुद थे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, SK श्रीवास्तव जी व्यापारी नेता भी हैं और युवा में काफ़ी अच्छी पकड़ है, ये सब लोगों ने वादा किया तब मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी, महिला जो इनकी वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी प्रदेश महासचिव हैं, तो सवाल है टीम अच्छी बन रही है, आज हमारे कार्यकारिणी नहीं घोषित कर रहे, हमारे जो अध्यक्ष हैं आलोक श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये भी एक समाज में संगठन में लखनऊ के महानगर अध्यक्ष थे आज हमारे साथ हैं, निधि श्रीवास्तव जी आई हुई हैं ये भी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग 6-7 लोग अभी सिर्फ जो अध्यक्ष वाला है, जो महिला प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, राजनीतिक प्रकोष्ठ है, लखनऊ महानगर है, महिला है, अभी हम इसी की घोषणा करेंगे आज यहाँ पर और
आपको अभी पत्राचार उसका वो देंगे। ये तो आपका गठन का होगा लेकिन कारण ये क्या कारण है कि सभी जो बिरादरी है अगर बात की जाए कास्ट की बात की जाए तो सब कहीं ना कहीं एकजुटता नजर आती है जी। कास्ट ही ऐसा समाज क्यों है जहाँ पर एकजुटता नहीं हो पाती, क्या कारण है उसके लिए? क्या थोड़ा इमोशन अपनी बात रख नहीं पाता है और कोई एक ऐसा लीडर हमारे पास नहीं है अभी भी जो नेतृत्व कर सके। हमारे में नेतृत्व क्षमता की कमी है, कोई हमको प्रमोट नहीं कर पाता ज़्यादा से। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रयास करूँगा कि मैं जब तक मेरी अपनी सोच है उसको अदरवाइज कोई ना ले, जब तक नेता ही अगर खुद ही अपने लिए मांगेगा तो वो किसी को क्या दिला पाएगा। मैं ये प्रयास करूँगा एज ए बींग ए प्रेजिडेंट ऑफ यूपी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। जब हमें ही सब कुछ चाहिए तो हम सुधीर श्रीवास्तव के बारे में क्यों सोचेंगे, हम एस के श्रीवास्तव के बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों मैं ही सब कुछ ले लूँगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आज फिर पुनः आई एम रिपीटिंग माई ओल्ड स्टेटमेंट, मैं संकल्प लेता मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने काय समाज के लिए समर्पित हूँ, समर्पित था, लेकिन स्टेयरिंग हमारे हाथ में नहीं थी। हम ना कहीं कहीं मजबूरी से किसी की उस भावनाओं में आकर अपना समय लगाया, उसमें मेरा परिचय टीआरपी बढ़ी इसमें कोई शक नहीं है। मुझे काय समाज ने बड़ा मान सम्मान दिया, व्यापारी समाज ने मान सम्मान दिया, आज हमारे पास स्टेयरिंग है तो हम कुछ करने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं हमको दबाया जाता था। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।